अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं 9th क्लास को SST पढ़ाऊँगी, इसलिए सारे बच्चे अपनी SST की बुक का पेज नंबर 16 ओपन कर लें। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कालम अलिफ को कालम बे से इस तरह मिलाएँ कि मफहूम वाज़ह हो जाए। सबसे पहले कालम अलिफ में देखें स्टेट बैंक का इफ्तिताह, फिर सेकंड पे लिखा है पाकिस्तान का क्याम, फिर थर्ड पे नज़दीक पाकिस्तान की असास, फोर्थ पे उर्दू हिंदी तनाज़ा और फिफ्थ पे करारदाद लाहौर। अगर हम इसी के सामने देखें कालम बे में, सबसे पहले लिखा है 1867, फिर दीन इस्लाम 1948 20वीं सदी। तो अब आपने इन कॉलम्स को आपस में मैच करना है। सबसे पहले स्टेट बैंक का इफ्तिताह, इसको आपने 1948 के साथ मैच करना है। सेकंड पे है पाकिस्तान का क्याम, इसको आपने 20वीं सदी के साथ मैच करना है। थर्ड है नज़दीक पाकिस्तान की असास, आपने इसको दीन इस्लाम के साथ मैच करना है। उर्दू हिंदी तनाज़ा, उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867, करारदाद लाहौर है 1940। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। शुक्रिया।